तो योगा पट्टी के अंतर्गत आने वाला ये चौमुखा गांव है, जिला मुख्यालय बेतिया से तकरीबन 25 किलोमीटर ये अंदर है। गांव की आबादी बेहद ही कम है। यहाँ आज से 2 साल पहले एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। दरअसल ये गंडक नदी है, हालांकि ये अभी सूख चुकी है, लेकिन जब बरसात का दिन शुरू होता है तो नदी में इतना पानी आ जाता है कि ये पूरा एरिया जो है ये पानी से भर जाता है, ये पानी में ही डूब जाता है। जी हाँ, इस नदी में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, उसमें से एक जानवर जो है वो मगरमच्छ भी यहाँ रहता है। और हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका विक्टिम ये छोटा सा बच्चा है और इस कहानी का हीरो इसका बड़ा भाई है। जी हाँ, ये धीरज है और ये नीरज है। उम्र कितनी हुई तुम्हारी? 16 बरस तुम्हारी उम्र कितनी हुई? 13 बरस। क्या हुआ था, कब हुआ था, पूरी बात हमें बताओ। हम लोग गरीब परिवार से हैं और पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पिताजी का तबीयत खराब चल रहा था, तो पिताजी के भी काम में हाथ बटाते थे। तो एक दिन भैंस लेकर गंडक नदी में चले आए थे धोने के लिए। इसी नदी में आए थे? आओ जी, इसी नदी में, गंडक नदी में। तो यहाँ हमारा भाई भैंस धो रहा था। तुम इधर आओ। यही है ना नीरज, यही है ना भाई? यही है नीरज। तो यही भैंस धो रहा था तो मगरमच्छ इधर से आया और इनका पैर पे हमला बोल दिया। कितना बड़ा मगरमच्छ था? 7-8 फीट का था, बहुत विशाल था जी। तो अटैक करने ये क्या कर रहा था, ये नदी के किनारे? धो रहा था, भैंस को धो रहा था पानी में घुस कर। तो मगरमच्छ आया तो ये इनका पैर पकड़ कर खींचने लगा, तो ये चिल्लाया, तो मैं दौड़ कर गया और इनका हाथ और ये पकड़ कर दी, खींचने लगा अपने तरफ, और मगरमच्छ अपने तरफ खींच रहा था। अच्छा, तुम एक तरफ से इनको खींच रहे थे और एक तरफ से मगरमच्छ खींच रहा था। अभी आपने बताया कि बहुत विशाल का है मगरमच्छ था, वो तकरीबन 8 फीट लंबा था और मतलब बहुत हेवी रहा होगा। तो उस इनका एक पैर उसने पकड़ा था और इधर से आपने छलांग लगाई और इधर से आप खींचने लगे। फिर फिर खींचने लगे मगरमच्छ, हमको भी खींच लिया था, तो किसी तरह एक डंडा उठाकर और उनको मारकर तो फिर इनको खींच लिया हम।